चलते हैं हम अपने फोन स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना। जाने से पहले इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना कि अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। और ये मेरा फेक आईडी है, मेरा ओरिजिनल आईडी आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आपको अकाउंट प्राइवेट करने के लिए सिंपली अकाउंट वाले में चले जाना। अकाउंट वाले में जाने के बाद ऊपर देखोगे कि थ्री लाइन है, ठीक थ्री लाइन है, उस पर सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप देखोगे कि ये सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइवेसी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कभी कभी चौथे नंबर पर भी रहता है और तीसरे नंबर भी रहता है। इसका कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसको ढूंढ लेना और प्राइवेसी वाले में चले जाना। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो वो आपका प्राइवेट नहीं होगा, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो आपका प्राइवेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है कि ये प्राइवेट वाला प्राइवेट अकाउंट है तो सिंपली इसको एलो कर देना है। एलो करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका फ़ोटो और ये वीडियो कोई नहीं देख पाएगा, जिसको आप फॉलो किए हुए हैं सिर्फ वही देख पाएंगे। तो सिंपली स्विच टू प्राइवेट कर देना। स्विच टू प्राइवेट करोगे तो सिंपली आपका अकाउंट प्राइवेट हो चुका होगा। बैक आ जाना। बैक आने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने के बाद आपका अकाउंट अब प्राइवेट हो चुका हुआ है। तो मैं इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।